श्री रामाकृष्णा ड्रामेटिक क्लब के सदस्यों ने लगाए क्लब के प्रधान पर क्लब को प्राइवेट कंपनी की तरह चलाने का आरोप। श्री फतेहगढ़ साहिब सरहिंद शहर में श्री रामाकृष्णा ड्रामेटिक क्लब कुछ दिनों से सुर्खियों में है। कुछ क्लब मेंबरों का आरोप है कि प्रधान और कुछ अन्य मेंबर श्री रामाकृष्णा ड्रामेटिक क्लब को प्राइवेट कंपनियों की तरह चलाया जा रहा है। क्लब के चेयरमैन से फोन पर बात की तो उन्होंने इन सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया और कमेटी के एक सदस्य पर ही हेराफेरी के आरोप लगाए गए। कोई नहीं है जी, सेवादार है, रामेश्वर भी सेवा करते हैं। पिछले 20 तो 22 साल तो क्लब के नाल मैं जुड़िया। की मामला है जेड़ा तुसी अज कर? मामला ये हैगा जी, साडी इक्को ही डिमांड है, ये शहर का क्लब है, शहर के लोगों की डोनेशन के नाल चलता है। इस क्लब दे विच ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए है। ये क्लब नूं जिहड़े लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं उन्होंने खिलाफ़ साडा यह रोस प्रदर्शन है। कुछ मैंबर क्लब दे विच इकट्ठे होकर यह कह रहे हैं भी जो असी कहता क्लब दे विच उही होगा, जिन्हें आना आवे, जिन्हें नहीं आना वह ना आवे। ठीक, एक रजिस्टर्ड क्लब सानू जो पता लगे है कि 2015 दे विच कुछ लोगों ने, कुछ मैंबर ने, इन्होंने क्लब मिलकर रजिस्टर्ड करवा लिया बिना जनरल हाउस की मीटिंग बुलाए तो बिना क्लब के मैंबरस नूं कॉन्फिडेंस दिते। शहर दे विच कोई रजिस्टर्ड होने के बाद बावजूद भी इस क्लब की प्रोसीडिंग के दो रजिस्टर उन्हां लोगों वालों मेनटेन किए जा रहे हैं, जिदे विच सानू शक है कि शायद ये धर्म की आड़ दे विच किसी परसनल बेनीफिट या किसी भी होर तरह का मुद्दा भी हो सकता है। श्री रामाकृष्णा ड्रामेटिक क्लब के सदस्यों ने लगाए क्लब के प्रधान पर क्लब को प्राइवेट कंपनी की तरह चलाने का आरोप। श्री फतेहगढ़ साहिब सरहिंद शहर में श्री रामाकृष्णा ड्रामेटिक क्लब कुछ दिनों से सुर्खियों में है। कुछ क्लब मेंबरों का आरोप है कि प्रधान और कुछ अन्य मेंबर श्री रामाकृष्णा ड्रामेटिक क्लब को प्राइवेट कंपनियों की तरह चलाया जा रहा है। क्लब के चेयरमैन से फोन पर बात की तो उन्होंने इन सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया और कमेटी के एक सदस्य पर ही हेराफेरी के आरोप लगाए गए। रामलीला दौरान कोई प्रदर्शन वगैरह भी करूंगे? रामलीला के खिलाफ कोई प्रदर्शन? रामलीला के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं है, प्रभु श्री राम का नाम है। ट्रांसपेरेंसी दे नाल जिहड़ा हैगा सारा काम चलना चाहिए। फतेहगढ़ से संदीप अरोड़ा करूंगे जी, जो रामलीला शुरू हुई जी सानू कहे। फतेहगढ़ से संदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। या जो साडियां मंगां ओह मन्नियां जाणगियां तां उस तों बाद असीं तन मन धन दे नाल जिहड़ी साडी पार्टिसिपेशन ओह होवे। जेकर नहीं हुंदा तां इहदा बाइकाट कीता जाऊगा? कुछ इहदा बाइकाट नहीं है जी, सानू प्रशासन के उपर पूरी उम्मीद है, साडे मीडिया भरावां दे उपर पूरी उम्मीद है, शहर निवासियों के उपर पूरी उम्मीद है भी इस धार्मिक ते सोशल क्लब के लिए शहर निवासी प्रशासन अगे आएगा ते इहनू जस्टिस। मेरा नाम रविंदर कुमार है। की मामला जिहड़ा स्कैंडी मार्च कर रहे? मामला ये है जी, 2017 दे विच असीं सर्व सभती नाल हाउस की एक मीटिंग हुई सी अग्रवाल सभा दे विच, जिहदे विच सर्व सभती नाल बड़े प्यार नाल साडे मोहनजीत पटवारी जी नूं असीं प्रधान चुनिया सीगा भी इह प्रधान है, ते साडे डायरैक्टर साहब सीगे शशि भूषण गुप्ता जी, उन्हां नूं भी दुबारा क्लब च रीजॉइनिंग हुई सी। असीं उन्हां नूं कहा सीगा ठीक है, असीं तुहाडे बच्चे हैं, कोई मतभेद पिछे होए उन्हां नूं खत्म करिए ते अगे आपां क्लब नूं अगे लैके चलिए। की नाम सी क्लब? क्लब का नाम हैगा श्री रामाकृष्णा ड्रामेटिक क्लब। पिछले 60-70 साल तो अप्रोक्सीमेटली इस शहर के रामलीला हो रही है जी, बड़ी स्मूथली चल रही है ते सारे क्लब सारे शहर का सहयोग है, सारे मैंबर साहबान का सहयोग है, कोई ये कोई भी मतलब अब तक यह जी गलबात नहीं। सर लास्ट टाइम जो असी पटवारी जी प्रधान बनाया क्लब का उस तो बाद अज तक ना तो पिछे कोई मीटिंग रखी गई, लास्ट टाइम खत्म होने तो बाद कोई हाउस की मीटिंग हो कोई दसया जाए भी अज आ साल पा कुछ कर साल आ बचे आ घटिया इदा कम हो उस तकरीबन 3-4 बार साडी गल हुई कोई मीटिंग रख लो रखते हैं करते हैं। मुद्दा यही था भी जिन्हें मैंबर हैं वो सारे क्लब के मैंबर हैं, कोई छोटा बड़ा उन्होंने रजिस्टर च ना पा लो, होर कोई मुद्दा नहीं, तो वो इस गलते नहीं तैयार। इस साल प्रधान जी ने रामलीला स्टार्ट होने के संबंध में मोहनजीत पटवारी जी उन्होंने हले तक सानू कोई मीटिंग कॉल नहीं करी। असी तकरीबन मैं भी 17-18 साल तो प्रभु का रोल करे और रामचंद्र
सारे मुंडे रोल करते एक बार नहीं दस्या भी रामलीला शुरू करनी आप हर साल मीटिंग होंगी है मैंबरस नूं आया जाता बुलाया जाता पर ऐतकी उहदे जद उहदे संबंध च असीं उहनां नूं पुछिया वी यार की गल है की बात उहदा कोई जवाब नहीं मिलिया सानूं उहदा असीं कुछ तकरीबन उहनां नूं एक मीटिंग साडी होई इत्थे म्यूनिसिपल कमेटी दे अंदर कदों 30 तरीक नूं होई 30 तरीक वाली मीटिंग दे विच विचारां दा मत भेजता उहनां नूं दस्सिया वी इदां है इदां साडी कोई नहीं सुनी गई सानूं कहिंदे वी जे तां करना जिवें कर रही है जो भी कमेटी उन्होंने बनाई किमें बनाई सानू नहीं पता असी सिर्फ प्रधान चुनिया था जे कोई मैनेजमेंट बनी है वह मेरे हिसाब से आज जिन्हें मुंडे खड़े उन्होंने किसी को नहीं पता उसका की तरीका मैनेजमेंट बनने का असी उन्होंने कहा सानू वही प्रोवाइड करा दो भी किमें मैनेजमेंट बन गई प्रधान तो चुनिया गया था पर कोई होर कोई भी पद नहीं रजिस्टर्ड सानू जो पता लग्या हूँ संस्था 2015 च रजिस्टर हो गई सी उहदे बारे सानू नहीं नॉलेज किन्हां बंदियां ने कराई किवें कराई कद मता पिया कित्थे पिया किन्नी तरीक नूं पिया इह उही बीते दिन रामलीला दा झंडा वी चढ़ाया गया सी उहदे विच शामिल होई सी सर हां बिल्कुल सारे क्लब्स मैंबर रामलीला दे झंडे च साडा क्लब है कोई सद्दा लगा है तुहानूं अगली नहीं सद्दा कोई नहीं लग्गा कोई रोल नूं लै के वी कोई रोल दी जे कोई किते वी रिटर्न दे विच चीज़ सामने आउंदी है वी किसे बंदे ने कोई रोल किसे कोलों मंगिया गया तो साढ़े सामने पेश कर दें भी ये बंदे ने सानू आ देखो कहा भी मैनू रोल जो तुसी कहोगे जो शहर कहूगा उहदे लई मैं तैयार की मांग करदे तुसी हुण असीं तां इही कहिंदे आं कि क्लब दे विच छोटे तो बड़ा चाहे कोई पद है कोई कुछ है चाहे एक दरी बिछाने वाला मुंडा चाहे कोई रोल करने वाला चाहे चेयरमैन एक होना चाहिए समानता हाँ भी ये 10 बंदे करनगे ये चंगी गल नहीं 10 बंदियां दा काम नहीं है 60-70 बंदियां दा 100 बंदियां दा प्राइज बंटदे आ असीं लास्ट च 100 बंदियां नाल जुड़ के रामलीला खेडी जांदी है जब चेयरमैन प्रिंस जी दे नाल गलबात की गई तो उन्होंने वालों कहा गया भी 46,000 रुपया भी असीं इन्हां कोलों लैणा भी 46,000 रुपये का मता पास होगा जिहदे विच 24-25 बंदियां दे साइन होए हैं उहदे बारे तुसीं की कहोगे ये बिल्कुल ठीक है 46,000 रुपया इन्होंने 2016 दे विच एक मीटिंग बुलाई माइनंती धर्मशाला मीटिंग रखी गई उहदे तकरीबन 30-35 बंदे सीगे मैं कल्ला सीगा या इक अद्धा होर होना मेरे नाल मुंडा ते उह तकरीबन 30 बंदे सीगे उहनां नूं जिहड़ा हिसाब 2012 और 13 च मैनूं लगदा वी मैं सवेरे उहनां तों मंगूंगा उस साल दे मते पाए होए वी मैं कैशियर सीगा पर 12-13 दे विच उस मीटिंग दे विच जिहड़ियां फोटो कापियां मैं कल मीडिया दे सामने पेश कर दूंगा प्रशासन दे सामने 13 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਖਰਚੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਭੂਸ਼ਣ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ 2013 ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 46,000 ਰੁਪਇਆ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ मैं नैक्सट डे कैशियर साहब को गया संजीव कुमार शर्मा जी बड़े अच्छे बंदे हैं मैं जी आ 46,000 रुपया लो तो मेरे पैसे जमा करो क्लब जेडे मेरे को नहीं निकले वो कहते भी मैनू इस हिसाब का नहीं पता मैं 46,000 रुपया जमा नहीं कर सकता कैशियर का की नाम सर संजीव कुमार शर्मा जी अच्छे बंदे हैं बड़े रेपूटेबल बंदे हैं कोई ऐसी बात नहीं बड़े हिसाब उन्होंने बहुत अच्छा मेनटेन कराया तो वह 46,000 रुपया ना फड़िया तो उन्हों की मौजूदगी मैं उन्होंने ठालिया मैं उठो खड़े हो गए असी शशि भूषण जी साढ़े डायरैक्टर साहब से उन्होंने दुकान पर गए तो मेरे हिसाब से प्रधान भी उही सी उस साहब वो मतिया की हूँ सवेरे कापियां मैं उन्होंने तो लाऊंगा जाके पता लग जू प्रधान से मैं जी प्रधान जी आ लो पैसे 46,000 रुपया ये जमा करके रसीद मैनू दे दो मैं इदा ही कहा भी रसीद मैनू दे दो उन्होंने भी वो 46,000 नहीं फड़े ना कैशियर 46,000 फड़े ना प्रधान जी फड़न 46,000 रुपये तो चलो बिच बचाले असी सोचा भी पंडित नरेंद्र कुमार शर्मा जी हैं साढ़े एक्स कैशियर से मैं उन्होंने फोन लाया मैं पंडित जी इदा इदा गल हुई है कि तुम 46,000 रुपया तुम कलैक्ट कर लो मेरे तो भी आता जोड़ा उधम सिंह वो कहते जी मैं तो इस मत पैना ही नहीं इस मत उलझना ही नहीं जे वो 46,000 रुपया कैशियर साहब अज भी मेरे कन्नी आउटस्टैंडिंग कढ़ते हैं किताबों तो मैं 46,000 रुपया मीडिया के सामने मानदा
सारे क्लब के सामने मानता 40,000 रुपया सवेरे ठोडी मौजूदगी दे विच सने व्याज मैं वह पैसे क्लब का देनदार हाँ ते वो संजीव जी रिसीव कैश करन ते मैनू वो साल दी मेरी आउटस्टैंडिंग दिखाण 46,000 रुपए की किताबां च कीती। प्रशासन कोलों की मांग करदे हो जी? मैं थोड़े एक बहुत ही जिहड़ा बेहतरीन चैनल है स्टार न्यूज हिमाचल पंजाब के थ्रू मैं प्रशासन को यह बेनती करदा कि श्री रामाकृष्ण ड्रामेटिक क्लब MC स्टेज के जिहड़े जिन्हें भी फाइनैशियल है बही खाते है 2011 तो लेके एक CA तो उन्होंने जाँच करवाई जाए तो खाते सर्टिफाइड करवाए जा तो उस जिस भी मैंबर कहीं कोई देनदारी या लेनदारी हैगी है वह क्लब वो कहीं लवे रिसीव करे पैसे तो यही साड़ी डिमांड है यही साड़ी बेनती। फतेहगढ़ से संदीप अरोड़ा की रिपोर्ट।